नमस्कार, स्वागत है मिथिलांचल विशेष में। मिथिलांचल विशेष लग उपस्थित छी हम गायत्री, और आजुक मिथिलांचल विशेष में हम सब बातचीत करब मधेश स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान के विषय में। और ओहि के लेल हम सब अपना स्टूडियो में आमंत्रित केने छी मधेश स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान के प्रदिस्तु के उपकुलपति डॉक्टर राम केवल साह जी के, उनका संगे नमस्कार, बिल्कुल स्वागत है। और आजुक कार्यक्रम में हम सब उनका संगे बूझ के प्रयास करब कि प्रतिष्ठान छै की, कार्य और की काज सब कर रहल छै, की काज करतै, की योजना सब छै। ओहिके बाद बहुत ही जनमानस में प्रश्न सब आयल छै जहिया से मधेश स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान गठन भेलै है, उद्घाटन भेलै है, तहिया से बहुते गोटे के प्रश्न सब छै मन में, जिज्ञासा सब छै। ओ जिज्ञासा सब समटा के प्रयास करब, लाइक किछु गोटे के जिज्ञासा छै जे आप विज्ञान स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान भ गेला के बाद प्रादेशिक अस्पताल में निःशुल्क उपचार नहीं हेतै, महंग भ जेतै उपचार, लाइक एहन एहन क्वेश्चन सब हमरा सब लग अइ। और ई क्वेश्चन सब के आइ जवाब देबक लेल उपकुलपति डॉक्टर राम केवल साह हमरा सब संगे छथि, तऽ हुनका संगे आइ हम सब विशेष बातचीत करी। डॉक्टर साहब, पुनः अपने के स्वागत छै। धन्यवाद अपने सबके। डॉक्टर साहब, सबसे पहिने तऽ हम सब बुझऽ चाहब जे मधेश स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान छै की, एकर काज कर्तव्य की सब छै। मधेश स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, एकरा हम सब अंग्रेजी में कहै छी मधेश इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ साइंसेज, यानी कि ई इंस्टीट्यूट छै जैठाम जैमे अपने के शिक्षण प्रशिक्षण मुख्य कार्यभार छै। आ शिक्षण प्रशिक्षण में दक्ष जनशक्ति, मेडिकल विषय के दक्ष जनशक्ति तैयार करे के, कि देखल गेलै कि प्रदेश दू में अपना सबके स्वास्थ्य सेवा के अवस्था बहुत ज़्यादा नीचा अवस्था में छै। अपना सबके जे तुलना कैल जाए तो कर्णाली के हाराहारी में छी हम सब स्वास्थ्य के अवस्था में, जनशक्ति में, ह्यूमन रिसोर्स में, और सेवा सुविधा में, हेल्थ केयर डिलीवरी में, एहि सब में हम सब छी। तो एहि के जे भी कारण सब बहुत छै, तो एहि कारण के लेल सरकार द्वारा एहि के कारण सबके निदान के लेल वास्तव में एहि के पहचान क के एक स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान के परिकल्पना कैल गेल, जे एक सरकार के अनुदान द्वारा संचालित एक सरकारी निकाय हुए, जे स्वतंत्र रूप से एक प्रदेश के भीतर दक्ष जनशक्ति तैयार करे, जे स्वास्थ्य सेवा के सूचकांक सब जे छै ओहि में सुधार हुए। मुख्य उद्देश्य स्वास्थ्य सेवा के स्तर में सुधार केनाइ छै, एकर तो ओहि के लेल वास्तव में माध्यम छै टीचिंग एंड ट्रेनिंग, यानी कि शिक्षण प्रशिक्षण। ई माध्यम अपनाबै के लागि इंस्टीट्यूट खोलल जाइ छै। जेना एहिके सबसे उदाहरण नजदीक में सफलता के सफलतम उदाहरण छै धरान के बीपी कोरला इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ साइंसेज। हमसब ओहि के उद्देश्य से, ओहि के कार्यविधि से ज्यादा प्रभावित छी सब आदमी। तो जैठाम की छोटका अस्पताल छलै गोपा कैंप से, वो आइ बड़का इंस्टीट्यूट, राष्ट्रीय गौरव के इंस्टीट्यूट बन गेल छै। तो ओहने परिकल्पना क के हम सब प्रदेश दू में एक एहन गौरव के आयोजना हुए, जे प्रदेश दू के समस्त स्वास्थ्य सेवा के जे छै से प्रभावित करे, और स्वास्थ्य जनशक्ति के स्वास्थ्य सेवा के साधन सुविधा के परिचालन करे, और सरकार के या संबंधित निकाय के सलाह सुझाव सेहो दै कि एहि विषय के कमी कमजोरी छै, एहि के एना के जे से सुधार कैल जा सकै छै। तऽ पॉजिटिव जे सोच छै ओहि लऽ कऽ ई सब खोलल गेल छै। और एहि के मुख्य आ दोसर भाग कथी छै कि एहि के गरीबी के कारण, गरीबी में सेहो अपने के यदि देखल जाए तो प्रदेश दू और कर्णाली प्रदेश छै, ये दुनू गरीबी में बराबर छै। तो गरीबो प्रदेश छै, ये तो इमें बहुत विपन्न गरीब सब छै, तो ओकर सबके स्वास्थ्य सेवा पहुँच बहुत कम छै। आ स्वास्थ्य सेवा दिनानुदिन ओकर जे है से कॉस्ट बढ़ल जा रहल छै, मूल्य बढ़ल जा रहल छै, आम आदमी के पहुँच से स्वास्थ्य सेवा दूर भेल जा रहल छै दिनानुदिन। आ दोसर बात छै, सुविधा नहि भेला सँ ओ गरीब आदमी के या तो दरभंगा पटना इमहर जाय पड़ै छै, या इमहर काठमांडू जाऊ या धरान जाऊ। आ ई व्यवस्था छै अस्पताल सबके सामने देखबै अहाँ तऽ 50 टा एम्बुलेंस लागल छै,
खाली ओहिठाम से बिरामी के जाए के व्यवस्था विवश भगल ओहिठाम नहीं इलाज हेतु तो इलाज संभव नहीं इलाज नहीं हेतु कोनो कारण से तू जाए अइ अवस्था में केना के सेवा सुविधा अस्पताल सबके सुधार हुए सेवा सुविधा केना बढ़े से शिक्षण प्रशिक्षण के साथ साथ सेवा सुविधा के अवस्था में सुधार केनाइ सेहो जरूरी छै। नंबर दू ताकि सबके पहुँच में हुए सेवा सुविधा हम कहै छी तऽ तेकर बाद दोसर बात कथी छै कि एतेक आदमी अगर पढ़ि रहल छै डॉक्टर में विशेषज्ञ सबके भरमार छै जहिया हम एलो जनकपुर में तहिया जनकपुर में मुश्किल से 10 डॉक्टर रहे हम बात करे 41-42 साल के अखन डॉक्टर सब 400 डॉक्टर एतेक भेलै संख्यात्मक लेकिन गुणात्मक कथे कतौ छी अखन तो कोनो आदमी के कोनो ऑपरेशन होइ छै तऽ बहुत दिक्कत हो रहल छै ऑपरेशन कहते मात्र कहै छै ये होत कि नहीं होत ये की अवस्था होत ताहि दुआरे भागऽ पड़ै छै लोक के तऽ एहन अवस्था जे छै स्वास्थ्य सेवा के ज्यादा नाजुक अवस्था छै बढ़िया अवस्था नहीं छै आ डॉक्टर सब एतेक उपलब्ध छै तऽ हमरा सबके प्रतिष्ठान के इहो एकटा दायित्व छै कि जे दक्ष जनशक्ति छै ओकरा सबके एकटा जे है से प्लेटफॉर्म दी ताकि ओहि प्लेटफॉर्म से ओ सब जे छै से जनता के सेवा सुविधा द सके तऽ एकटा दक्ष जनशक्ति के समाहित केनाइ एम्प्लॉयमेंट देनाइ या ओकरा प्रक्रिया में समायोजन केनाइ एकटा काज छै एतेक दक्ष जनशक्ति छै उपलब्ध छै लेकिन ओकरा सबके प्लेटफॉर्म नहीं भेटला के कारण व्यक्ति व्यक्ति रूप में अलग अलग जे से जे काज भ रहल छै से काज सब जे छै से समूहगत रूप में संरचनागत रूप में संरचना सब हो चाहे हुई के संस्थागत रूप में जे से आगा बढ़े से एकटा काज छै तो दुटा मुख्य काज भेल कि एकटा दक्ष जनशक्ति के प्रयोग केनाइ अवसर देनाइ आ दोसर बात छै कि जनता के विशेषज्ञ सेवा बढ़िया स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध करनाइ ई दुटा बात के अभिभारा लऽ कऽ स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान जे छै से और बाकी बात सब जेना छै कोर्स चलनाइ रिसर्च करनाइ विभिन्न संघ संस्था सँ आबद्ध होनाइ एक्सचेंज प्रोग्राम केनाइ ई सब तऽ तफसील के बात छै लेकिन मुख्य बात ई दुटा भेल कि दक्ष जनशक्ति के जे उपलब्ध छै तकरा रखनाइ काज देनाइ आ जे नहि छै उपलब्ध तकरा दक्ष जनशक्ति तैयार केनाइ पढ़ाइयो कराओ जना मैं लेके हमरा एक उदाहरण के लागी कहब यदि कोनो जे है से ब्रेन के सर्जरी करे के छै या ब्रेन के सर्जरी करे वाला एठम डॉक्टर नहीं छै लेकिन हमरा आवश्यकता छै तो हम कोनो व्यक्ति के कहबै अहाँ पढ़ चाहे छी अच्छा लिय अहाँ पढ़ जाओ फलना न्यूरो सेंटर में जाकर पढ़ के आओ हम सब अहाँ के छात्रवृत्ति देब पढ़ के आयब तो 5 साल हमरा लग सेवा करब तो दक्ष जनशक्ति तैयार केनाइ सेहो काज छै हमरा लग छै तऽ हमही सब करब आ नहि हेतै तऽ बाहरो भेज के हम सब दक्ष जनशक्ति लाए ताकि जे है से सेवा सुविधा में सुधार होए तो ई काज छै ताहि दुआरे एक उद्देश्य एकदम लिखल छै आ ई उद्देश्य सबके अनुरूप अहाँ के कानून बनल छै जे कि ऐन बना के प्रदेश सभा से पारित भेल छै आ ऐन बना के प्रदेश सभा से पारित भ के विगत 8 महीना से हमसब कार्यरत छी अब हमरा सबके जे है से ऐन द्वारा जे है से स्थापित कार्य और पदाधिकारी सबके नियुक्ति भ के आब ऑफिस स्थापना भ के हमसब कार्य में लाइक छिटक पड़ल छी ओहि के उद्देश्य अनुरूप दक्ष जनशक्ति के उत्पादन केनाइ और दक्ष यदि जनशक्ति हमरा लग नहीं है तो हुनका एक तो दक्ष जनशक्ति के प्रयोग केनाइ दोसर में उत्पादन केनाइ ई दूटा लक्ष्य रहल छै मधेश स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान के 5 वर्ष के तो अपने सबके कार्यकाल है ना तो पंचवर्षीय कार्य योजना सब तो हेतै बिल्कुल पंचवर्षीय योजना हम सब की बने छै पहिल वर्ष में हम सब छै कि जे संभव छै दूटा जे काज छै हमरा सबके स्वास्थ्य सेवा और स्वास्थ्य शिक्षा तो स्वास्थ्य शिक्षा में हम सब जे छै से अइ बेर जना हमरा सबके 4 विषय में स्वास्थ्य क्षेत्र के मतलब स्नातक स्तर के हमरा सबके पढ़ावा शिक्षण प्रशिक्षण के अनुमति भेटल जे स्वास्थ्य शिक्षा आयोग छै ओहि के तरफ से हमरा सबके भेटल छै जाहिमे नर्सिंग के दूटा छै BSc नर्सिंग एंड BN नर्सिंग एकटा छै पब्लिक हेल्थ के BPH और दोसर छै अहाँ के BMLT
जे लेबोरेटरी साइंस के छै, चारिटा विद्या में 20-20 विद्यार्थी के लऽ कऽ स्नातक स्तर के हम सब कार्यक्रम जे यूनिवर्सिटी लेवल के कार्यक्रम होइ छै से कार्यक्रम हमरा सब के संचालन के अनुमति भेटल है। तऽ ई एहि सँ हमसब शुरुआत करबै आ एहि साल हमसब जे छै से अहाँ के जेना MD MS के पढ़ाई छै मेडिसिन सर्जरी सब में और 5 विषय हमसब चुनने छिए, जेना अभी संभावना छै आ जाहि मे संभावना होतै जाहि मे हमरा सब के जे ओना संभाव्यता अध्ययन करऽ पड़ै छै जाहि मे जनशक्ति पुगतै जाहि मे साधन सुविधा पुगतै ताहि विषय में हमसब जे छै से MS MD के पढ़ाई सेहो एहि साल आब निवेदन दिया जा रहल छै, भऽ सकैए तऽ एहि साल आ नहि तऽ अगिला साल से ई शुरू भऽ जायत। नंबर एक जी, एकर बाद हमसब एहि दूटा के कला के बाद में हमरा सब के जे है से ओ जे MD MS शुरू भऽ जेतै तऽ अस्पताल के सेवा वाला काज सेहो शुरू भऽ जेतै आ ओहि के लागे हमसब जे है से प्रादेशिक अस्पताल छै ओहि के शिक्षण अस्पताल के रूप में हमसब प्रयोग करऽ जा रहल छी। तऽ शिक्षण अस्पताल में प्रयोग करऽ के मतलब भेल कि ओ सब डिपार्टमेंट सब के स्तरोन्नति भऽ जेतै, जकरा अपग्रेडिंग कहै छै नेपाली अंग्रेजी में, स्तरोन्नति करऽ पड़तै कैलाकि ओहि के जेनाकि फुल टाइम डॉक्टर स्पेशलिस्ट रहतै और फुल टाइम के मतलब भेलै 9 to 5 और 24 के कवर रहतै, यानी कि 2 राति में केओ जेतै हार्ट के पिरामी तो ओकरा देखऽ वाला विशेषज्ञ डॉक्टर ओहिठाम ऑन कॉल रहतै, ओ आबि के देखतै ओकरा। तऽ जे प्रादेशिक में ओना नहि छै, फुल टाइम नहि छै, नहि छै अभी फुल टाइम नहि छै, फुल टाइम अखन जे छै से डॉक्टर नहि छै, 9 to 3 ओ सब केने छै, लेकिन हमसब चाहै छी 9 to 5 जे है से फुल टाइम 2 के फुल टाइम डॉक्टर हुए आ 24 विशेषज्ञ के कवरेज हुए, ताकि जैसे कैलाकि तऽ ओहिमे की हेतै जखन ते टीचिंग प्रोग्राम इन्वॉल्व हेतै तऽ ओ विद्यार्थी जे हेतै जे MS MD करा आयल छै ओकरो तऽ सीखऽ के हेतै, ओ केना सीखतै जब तक टीचर ओकरा गाइड नहि करतै। कोन हम जे कहलहुँ कि कोनो बीमारी अयलै, कोनो बीमारीके टाइफाइड भेल छै, तऽ ई टाइफाइड है कि नहि है, ओ कहलकै हमरा बुझाइए टाइफाइड छै, तऽ ओ अयलै ओ देखलकै तऽ ओ आबि कऽ देखतै हाँ ठीक कहै छै या टाइफाइड नहि छै, एहिके ई टेस्ट कराउ या टेस्टके आधार पर करू, मतलब जे ट्रेनिंग होइ छै ओहि ट्रेनिंगसँ दिन डे टू डे ट्रेनिंग कहै छै, मतलब दिन प्रतिदिनके ट्रेनिंग जे छै ओहि ट्रेनिंगसँ दक्षता हासिल होइ छै। तऽ आखिर हमरा सबके उद्देश्य छै कि जे जनशक्ति छै तकरा दक्ष बनाबऽके, तऽ दक्षता तब हेतै जब कि ओकर सुपरवाइज ट्रेनिंग हेतै, जब ओकरा पढ़ाबऽ वला आदमी इर्द गिर्द हेतै। तऽ ताहि दुआरे अहाँ देखबै कि बहुत इंस्टीट्यूट सबमे की होइ छै कि डॉक्टर सब कैंपस में रहै छै अक्सर, ताकि जरूरत पड़ल तऽ चलि आयल, फिजिकलियो चलि आयल। आ ओना आजकलके तऽ बहुते साधन छै, आजकल तऽ मतलब व्हाट्सएप छै, आजकल तऽ ऑनलाइन छै, अहाँ बहुते चीज कऽ सकै छी। तऽ बहरहाल जे भी होइ, मतलब 24 जे छै से कवरेज भऽ कऽ ई सेवामे सुधार हेतै आ शिक्षण अस्पताल ताहि दुआरे भेलासँ की होइ छै कि डॉक्टर सबके उपलब्धता बढ़ि जाइ छै आ जखन तऽ उपलब्धता बढ़ि गेल तऽ बिरामीके उपचारमे सेहो प्रभाव पड़ै छै आ ओ बिरामीके कॉन्फिडेंस बढ़ै छै कि अखन कॉन्फिडेंस कहै छै नहि डॉक्टर जेना नहि छै, डॉक्टर नहि भेटल से अवस्था नहि हेतै। तऽ एकटा ई बात भेल, ई भेल। तऽ आब बाकी बात जे छै पञ्चवर्षीयमे हमसब जे है से आब कथी छै कि ई अस्पताल अभी तत्कालके लागि जेना प्रयोग करै छै, लेकिन एकर योजना जे छै से मेडिकल कॉलेजके सेहो छै, इंस्टीट्यूटमे ग्रेजुएट कोर्सेज लाइक MD MBBS BDS नर्सिंग आओर सब विभिन्न कोर्स सब होतै, नर्सिंगके कोर्स हेतै, पैरामेडिकके कोर्स सब होतै, तऽ फिजियोथेरेपी सबके बहुते कोर्स सब छै, ओहि सबके चलाबऽके लागि बहुत संरचना चाही आ ओहिके संरचनाके लागि जगह चाही। तऽ एहि जगह सबके कम भेलाके कारण हमसब जे छै से जगहके खोजीमे छी। तऽ हमरा सबके प्रथम प्राथमिकता छै कि मणिपाल जे कैंपस छै 16 ओहिमे हमसब जे से अभी कोविड अस्पताल शुरू कऽ कऽ ओहिके केलिए आ प्रादेशिक सरकारके जे से निर्णय छै आ प्रादेशिक सरकार एहिमे आगाँ बढ़ि रहल छै कि हमरा सबके जाहि तरीकासँ होए, कानूनी तरीकासँ होए, समझौताके तरीकासँ होए या जाहि तरीकासँ होए, हमसब जे छै से अहाँके
प्रतिष्ठान के ई जमीन उपलब्ध कराए। अच्छा, अखन तक प्रदेश के माथत नहीं एले, माथत में जमीन नहीं आयल छे, लेकिन हमरा सब के कोविड के लागे प्रयोग कर के लेल सरकार कानून द्वारा जे कानून द्वारा अधिकार प्रयोग क के सरकार हमरा कोविड के लागे उ बिल्डिंग ई सब देने छे। अच्छा, मणिपाल यदि अपने सब के माथत चल अबे ओकर संरचना भी छे, बनल बनायल छे, तो चल अबे तो ओहि में की हेतै? नहीं तो वो संरचना बहुत छोट छे अभी, तो हमरा सब के योजना की हेतै मैंने उहे चल एले। तो ओना दोसरो जमीन हम सब वही के मणि मंडप लग में छे, 20 बीघा के जमीन छे, जे जानकी मंदिर के माथत के छे, ओहो जमीन हम सब मान जी के कहि का गुठी के पत्राचार भ का ओहो जमीन में सकारात्मक रूप से आगा बढ़ रहल छे। तो 20 बीघा उ आ 16 बीघा ई ई कहि का दुटा भ गेला पर हमरा सब के तत्काल जरूरत पूरा होते। जरूरत कथी चाहिए? तो एकटा हमरा सब के 500 बेड के पर्पस बिल्ट कहे छे अपना सब जे काज के लागे हम सब घर बनाए छे वहन बन पड़ते। तो उके मतलब शिक्षण अस्पताल के एकटा अलग किस्म के संरचना जे में हेड ऑफ द डिपार्टमेंट के ऑफिस होय छे, टीचिंग ट्रेनिंग के सेमिनार रूम होय छे, ओय बिरामी के जांचक के होय छे, ओय बिरामी के बारे में डिस्कस कर के होय छे, तकर बाद में कोनो मीटिंग कर होय तो डिपार्टमेंट में मीटिंग कर के जगह होय छे। तो ई सब संरचना के लागे अलग किस्म से बनाबो पड़ै छै। ते द्वारे उस बनाबो के लागि ऑफिस टाइप के भ जेतै जे ऑफिस अभी जे छै से खाली ओपीडी चलाबो के छै, ओपीडी चलाबो के बिरामी भरना करे, लेकिन शिक्षण प्रशिक्षण के साधन सुविधा नहीं। ओय मान ली अखनी के अस्पताल में जति चाहबे के अच्छा 10 टा विद्यार्थी के बैठा के हम पढ़ाइबे तो केतक पढ़ कत पढ़ाइबे से बात होय छै। तो ओहि हिसाब से चूंकि बनल नै छै, ई त सेवा दिए के लागि बनल छै। एकटा डॉक्टर अतै बैठते बिरामी देखते आ चलि जेतै, वही तो नहीं होते, वही तो वही के हिसाब के करे पड़ते। तो वही के अलग अलग किस्म के टीचिंग हॉस्पिटल के सेटअप अलग किस्म के होय छै, अलग 20 बीघा में बनावे। हाँ, तो 500 बेड के पर्पस बिल्ट एकटा अलग हॉस्पिटल बनते, टीचिंग हॉस्पिटल एकटा कॉम्प्लेक्स होते, हॉस्पिटल कॉम्प्लेक्स जैमे इहो अभी के योजना में ई बिल्डिंग जे छै सेहो उपयुक्त छै। आ एतबे से नहीं पुगते, ई 3 तल्ला एक तल्ला छै अखन, एकरो 3 तल्ला बनेबा एहने प्रादेशिक के नहीं मणिपाल के, मणिपाल के जी मणिपाल के। आ 3 तल्ला एकटा ओई के और समानांतर रूप से यदि एहने बना दे तब हॉस्पिटल कंप्लीट भ जेतै 500 बेड के, 500 बेड जी एकटा ई योजना के बात करै। दोसर होय छै ओकर एकेडमिक ब्लॉक, एकेडमिक फैसिलिटी जैमे लेक्चर हॉल होय, ऑडियो विजुअल होय, तकर बाद में हरेक डिपार्टमेंट के अपन जे है से ऑफिस होय, लाइब्रेरी होय, इस सब चीज के एकेडमिक ब्लॉक कहै छै जे। तो एकेडमिक ब्लॉक बनाबो के एकटा होय छै, ओहो बड़का विशाल होय छै। आ तेसर होय छै एकोमोडेशन, आब ओय त रहते त प्यून सँ लऽ कऽ प्रोफेसर धरि के रह के कतौ रहते, एतेक आदमी रहते त सबके जगह भेटते नहीं। आ जब जे आदमी 24 घंटा काज करते ओकरा त रह दिया पड़ते, ओहि डॉक्टर के, नर्स के, विद्यार्थी के, तो विद्यार्थी के लागी अलग, नर्स के लागी अलग, तकर बाद में प्रोफेसर के लागी अलग क्वार्टर, सबके क्वार्टर बनाबे तो एकटा रेसिडेंशियल ब्लॉक एकटा बन एक एरिया होते। चारिम बात कथी छै, बिहान आप बढ़त जेतै तो बिहान हार्ट सेंटर खोलब के मन हेतै, कैंसर सेंटर खोलब के मन हेतै, बिहान जे छै से कहते कि नहीं एकटा आई के बड़का सेंटर हुआ चाहिए, तो आवश्यकता अनुसार वो ये सुपर सेंटर सब खोल के सेहो जमीन छुटियाबो पड़ते, योजना में छै छै। आ तेकर बाद जे छै से लास्ट में बात कथी छै, कुछ स्पेस तो हुआ चाहिए जे लोग क्रिकेट खेले, बैडमिंटन खेले, जे रिक्रिएशन हुए नहीं जे ऊ सब कहियो कोनो आ कोनो सेरेमनी होते, विद्यार्थी जत रहते तो सेरेमनी होते। तो ई बात सब के प्रोविजन राखि के हमरा सब के 20 बीघा जमीन या 30 बीघा जमीन चाहिए, तो वो जमीन सबके हम सब प्रयास में छी। तो 5 वर्ष में हमरा सबके ई कक हमरा सबके अ 5 वर्ष में योजना छै कि फुल फ्लेज्ड मेडिकल कॉलेज विथ पोस्ट ग्रेजुएट फैसिलिटीज मिल जाए के छै के। मतलब ई प्रादेशिक अस्पताल के अपने सब नहीं तो अभी नहीं तो प्रादेशिक अस्पताल हमरा सबके माथत में छै अखन कानूनी जी। तो लेकिन की छै कि प्रादेशिक अस्पताल छोट भ जेतै ने ई योजना में अखन, लेकिन हम सब तो उने ओतेक विस्तार में नहीं जा रहा छी। तो पहला 1-2 साल तक हमरा तत्काल के लागे हमरा सब ये रहते एक बात। दोसर बात भ सके कि जनता के अइ पर विश्वास आस्था रहते तो यहो अस्पताल हमरा सब में रह सकैया,
तो ये हम सब कुछ कुछ सेक्शन ये रखब आ कुछ सेक्शन वे रखब से भ सकें कैल कि ये लोग सब आबि रहल छे जा रहल छे ये आस्था नजदीकी है तो ते हिसाब से कई टा विकल्प होते लेकिन पहले हमरा सब के जे छै ते के प्रयोग करत आगा बढ़ के छे आ सोझे हम सब सोचब तो बहुत यूनिवर्सिटी सब सोच में डूब गेल छे सोचते सोचते में डूब गेल छे कैल कि जे छै ते के प्रयोग नहीं कल के आ खाली सोच हमरा बड़का बिल्डिंग हो तो हम चलाएब एना नहीं बिल्कुल हम नाम नहीं लेब केकरो लेकिन सोच जे छै ते से शुरू करने पड़ते तो हमरा हमरा प्रादेशिक अस्पताल छै तो वही के हमरा सब कोन झिझक वही के प्रयोग करे में अस्पतालों के फायदा छै अस्पतालों के स्तरोन्नति भ जेतै हमरा सब के शिक्षण प्रशिक्षण काज शुरू भ जायत जनता के सेवा भेट गेले तो ई अभी अभी सबसे सर्वोत्तम नहीं छै जनता के सेवा चाहिए हमरा जे से जगह चाहिए जे पढ़ा सकी हम नहीं आ तो भ गेले दुनू बात मिल गेले तो ते द्वारे सबके सबके साथ सबके विकास जे बात है तो वही हिसाब से सबके साथ सहभागी बना कर आ जे दक्ष जनशक्ति आखिर वो ठाम तो छै तो वो दक्ष जनशक्ति हम तो हम सब क्या नहीं साथ में ल जाए बस वही साथ साथ विकास कर के साथ ल जाए के छै आ जे नपुग होते से न थपबे अब जना सिटी छै ये तो सिटी स्कैन दोसर आके कौन जरूरत छे जेना एकटा गायनी के डॉक्टर छे हुई है तो दोसर गायनी के डॉक्टर के लाभ के कौन जरूरत छे डुप्लीकेट केनाई नहीं छे अभी तो वही से काम चलबे के छे तो ते द्वारे सिस्टम इम्प्रूव होए व्यक्ति से बहुत फर्क नहीं पड़े छे सिस्टम जे अहाँ बढ़िया बना दियो तो वह व्यक्ति वही सिस्टम में डिफरेंटली काम कर हम रेशम सन आदमी हम इंग्लैंड गेल रही 5 साल इंग्लैंड रही तो हम ये के जनकपुर के आदमी इंग्लैंड के सिस्टम में काम करी तो वह डॉट पर जा पड़े 8 बजे पहुँच के चाहिए तो 8 डॉट पर आके वो चेयर पर बैठा हाजिर हो पड़ा ठीक नहीं आइए मैं लेके हम 8:30 बजे जब 9 बजे जाए तो कोई नहीं इस सिस्टम के दोस्त भले नहीं हमार दोस्त नहीं है वो ये के सिस्टम हमारा 8 बजे डिमांड कल के आ वो ये 8 से मतलब 5 मिनट लेट बजाओ तो क्यों नहीं कहते कतो वो ये बिरामी जो वेट करी छे से कहते कि डॉक्टर हम 8 बजे के हमारे अपॉइंटमेंट छला अहाँ 8:05 भ गए अहाँ के सॉरी मांग पड़त हाँ सॉरी मांग पड़त आ वो बहुत बैड पॉइंट है आ ये नहीं बुझ अब तो छी हम तो कतला हल्ला करे नहीं अपना सब के इस सिस्टम के में किनका हम सब सुधार लेवे तो वो स्वेच्छा से मतलब बहुत दबाव मूलक नहीं भक्का अपना सबके सुरक्षा से जैसे सिस्टम में सुधार हेतै तो धीरे धीरे ये हेतै पंचवर्षीय योजना के बात हम कहलौं जे पंचवर्षीय योजना में हमरा सबके छै आ ओहि में चूंकि नया छै तो बहुते मतलब शुरुआत करय में नया चीज के बनाबो में जना हमी सब अभी मैंने कोविड हॉस्पिटल बने लिया एकदम फोहर जगह में अबंडेंट जकरा कहै छै जना कि छोड़ल जगह छलै ओहि में मूस एतेक आ साँप एतेक छलै जे मत पूछू आ वही के सफाई कऽ के अखन अस्पताल चल रहा है आप तो वो नया बनाबे में नया चीज शुरू करो में एक एक चीज के बिजली के टेलीफोन के पानी के सब चीज के व्यवस्था करो के सड़क नहीं चले सड़क के व्यवस्था करो में समय तो लगे छे लेकिन एक टा आनंद ही हो छे कि नया संरचना नया व्यवस्था नया मतलब कार्यविधि सब लागू करो के अवसर भेटे छे डॉक्टर साहब जना कहल कि ना कि प्रादेशिक अस्पताल के अखन तत्काल छै हमरा सब लोग उपलब्ध है तो ओकरा एज अ टीचिंग यूज कर सकै छी ओ तो दक्ष जनशक्ति छै हुनका संगे कोऑर्डिनेट क क हुनका संगे विकास के लिए निकल कि ना सबका साथ सबका विकास तो सबके साथ सबके विकास हेतै कहल कि ना बात कल कि ना लेकिन बात छै जे पहिने अंचल अस्पताल रहे ओहिके बाद प्रादेशिक भेलै अब शिक्षण अस्पताल भेला के बाद की ओतय के व्यवस्था बदलेतै तऽ कि वो जो रेफर सेंटर के नाम से चिर परिचित है कि वो नाम जो है नाम के आगा में एक उपनाम लाग गया है वो हटते तब